आज 7500 ट्रैक्टर का किंग पिन बियरिंग, हाफ बियरिंग और ऑयल सील चेंज करेंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो को और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमेशा बना रहूँ मैं आप लोगों के साथ में कोई भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो के साथ। ठीक है फिर दोस्तों, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवन फाइव डबल ज़ीरो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का ये है प्रॉब्लम, इसमें किंग पिन प्ले हो गया है और ऑयल सील भी लीकेज है और ये स्टीयरिंग का भी प्ले है, इसको ठीक करेंगे। इसको हम अभी खोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ये है प्लेनेटरी गियर यूनिट, ये रिंग गियर का सभी बोल्ट को खोल लेंगे। इसमें 17 mm का बोल्ट लगा हुआ है। ये रिंग गियर को खोलने के लिए बोल्ट का यूज करेंगे पुलार के तरफ। ये देखिए हम लोग बोल्ट लगा रहे हैं और इसको टाइट देंगे तो ये बाहर आएगा। इधर भी लगाना पड़ेगा, ये इस साइड में भी लगाएंगे और टाइट देंगे बोल्ट को। पुलार बोल्ट को हम लोग यहाँ से खोल के यूज किया है। ये देखिए यहाँ से दो बोल्ट खोल लिया है दोनों साइड से। ये देखिए टाइट कर रहा है और बाहर आ रहा है, ये दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसको ऐसे ही खोल रहा है बोल्ट की मदद से। बोल्ट टाइट देगा तो ये ऐसे बाहर आएगा। ये देखो बाहर आ गया है। बाहर आ गया देखिए। इसमें बियरिंग है, ये देखिए बियरिंग ये कस के पकड़ा हुआ है, इसको मार के निकालना पड़ेगा। स्टीयरिंग टायर रॉड एंड बोल्ट को खोलेंगे और इसको हैमर की मदद से मार के निकालना पड़ेगा। नट को फंसा के रख दो। हाँ नकल हाफ असेंबलिंग को हथौड़ा से मार के निकालना पड़ेगा। इसमें बियरिंग कस के पकड़ा हुआ है। ये देखिए हम लोग मार रहे हैं, ये निकल गया। ये देखिए अंदर वाला बियरिंग, दोनों बियरिंग सेम ही है। ये ऑयल सील है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ये लीकेज था, इसमें नया डालेंगे ये ऑयल सील को। ये निकल गया ऑयल सील देखिए। ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का पिन को निकाल रहे हैं हम लोग, पिवट पिन। ये प्लेट था, इसमें हम लोग बूस्ट लगाएंगे। अभी हम खोल रहे हैं किंग पिन के बोल्ट को, इसमें 3 बोल्ट है। इसके किंग पिन बियरिंग है, उसको हम लोग बदली करेंगे क्योंकि प्लेट है ये। नीचे का किंग पिन का बोल्ट को भी खोल लेंगे, सेम टू सेम 3 बोल्ट है। ये देखिए 17 mm रेंच लगता है इसमें और इसको खोल के इसका भी बियरिंग को हम लोग चेंज करेंगे।
ये देखिए किंग पिन बाहर आ गया है, ये हो जाएगा। नीचे का निकल गया, अभी ऊपर वाले को निकलना है। ऊपर वाला थोड़ा तकलीफ करना पड़ता है निकलने के लिए। ये ऊपर वाला भी निकल गया, काफ़ी तकलीफ के बाद निकला है। अभी नकल को निकालेंगे, नकल असेंबली को। ये बाहर आ गया, पुराना वाला बियरिंग कॉन्स को यहाँ से निकाल के अभी नया डालेंगे। इसको निकालना है अभी। ये किंग पिन से हम लोग बियरिंग कॉन्स को निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद नया बियरिंग डालेंगे। इसमें टेपर रोलर बियरिंग लगता है, इसको मार मार के निकालेंगे हथौड़ा की मदद से। ये पुराना वाला है थ्रस्ट बियरिंग, ये देखिए। अभी हम लोग इसमें इसको चेंज कर दिया है, अभी बियरिंग डाला है। अभी जो न्यू मॉडल है 7500 उसमें बियरिंग आ रहा है। ये देखिए बियरिंग हम लोग लगा दिया है। ये टेपर रोलर बियरिंग है। बियरिंग कॉन्स एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ डालेंगे और इसमें बियरिंग को ऐसे बिठाएंगे। ये देखिए किंग पिन बियरिंग। ऊपर का बियरिंग कॉन्स को हम लोग निकाल दिया, अभी नीचे का निकल रहे हैं। इसको निकालने के बाद इसमें भी नया बियरिंग कॉन्स डाल देंगे। ये बियरिंग कॉन्स नीचे साइड में डालेंगे। ये देखिए हम लोग इसको बिठा रहे हैं। ये हम लोग नया बियरिंग लाए हैं, अभी नया बियरिंग डालेंगे। पुराना बियरिंग खराब हो गया था। बस नकुल असेंबली को फिट कर रहे हैं। किंग पिन बियरिंग को ग्रीस करके डालना है बढ़िया से, और इसको ग्रीसिंग करते रहना है हमेशा। नीचे तरफ का भी डालेंगे, उसी ऊपर के जैसे डाला है उसी के जैसे डालना है। और बियरिंग को हमेशा ग्रीसिंग करना है, और इसमें ग्रीस कान की मदद से हमेशा ग्रीस करते रहना है ताकि बियरिंग ख़राब ना हो। रेडी। ये जो है लगा रहे अभी, ये एक्सटर्नल पार्ट है। इसमें मडगार्ड दिया हुआ था और ये मडगार्ड को निकाल के रखा हुआ है। इसका कोई काम नहीं है फिर भी इसको फिट कर रहे हैं। ये नया ऑयल सील है, इसको डालेंगे। बढ़िया से डालना है इसको ताकि ऑयल सील ख़राब ना हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प माइन चैनल को। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी तरह का टेक्निकल रिलेटेड वीडियो के साथ मैं जुड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ में। ट्रूनियन हब बियरिंग को डाल दिया है, आप लोग देख रहे हैं। इसको अच्छी तरह बिठा लेना है। ये रिंग गियर प्लेनेटरी गियर यूनिट के साथ लगता है ये। इसको टाइट करते वक्त क्रॉस टाइट करना है, नहीं तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। ये टाइट हो गया, अभी प्लेनेटरी गियर यूनिट को डालेंगे। ये हम लोगों का एक्सेल किंग पिन
और ऑयल सील बियरिंग चेंज का काम हो गया है। ये फाइनल फिटिंग हो गया, इसको इसका बोल्ट टाइट कर देंगे तो काम ख़त्म। इसमें 11 ऑयल लगता है, कम से कम करीब 1.5 लीटर डालना पड़ता है इसमें।